आठवां सवाल, किसी भी देश का भविष्य उस देश का युवा होता है। रोहित वेमुला, दर्शन सोलंकी, पायल तडवी, ये भी भारत का, इस मुल्क का भविष्य थे। लेकिन इस देश की तथागठित कुछ प्रीमियम इंस्टीट्यूट में, कॉलेज के कैंपसेस और यूनिवर्सिटीज में आज भी दलित, आदिवासी, ओबीसी स्टूडेंट्स के साथ जाति के नाम पे जो भेदभाव होता है, जो डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन है, उसके कारण रोहित वेमुला को आत्महत्या करनी पड़ी। एक इंस्टीट्यूशनल मर्डर है। यही पायल तडवी के साथ हुआ, यही रिसेंटली दर्शन सोलंकी के साथ हुआ। तो मोदी साहब आपको सवाल पूछना चाहते हैं, क्या आप रोहित वेमुला एक्ट पारित करके बाकी के दूसरे एकलव्यों के अंगूठे कटने से रोकना चाहते हैं, दूसरे एकलव्यों के अंगूठे ना कटे ये सुनिश्चित करना चाहते हैं? नौवा सवाल, भारत में जितने भी शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उसमें से ज्यादातर लोग 70-75% लोग आज भी गांव में बसते हैं, और गांव में बसने वाले जो दलित है उसका बहुत बड़ा तबका, उसका करीब करीब 65-75% तबका भूमिहीन है। उनके पास अपनी मालिकी की जमीन नहीं है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का स्वप्न था कि भारत में गांव में बसने वाले भूमिहीनों को और विशेष तौर पे भूमिहीन दलितों को जमीनों का आवंटन हो। मोदी साहब, आप अडानी को, अंबानी को, कॉरपोरेट हाउसेस को, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स को, अपने दोस्तों को हजारों लाखों एकड़ जमीनों का आवंटन करने को तैयार हो, लेकिन दलित जो गांव में बसता है, जो जातिवाद का शिकार है, वो अपने पैरों पे खड़ा हो, वो सक्षम बने, उसके जीवन में भी कुछ आर्थिक उन्नति आए, उसके लिए क्या आप उनको जमीनों का आवंटन करने को तैयार हो? गुजरात में हजारों की हजारों एकड़ जमीन जो दलितों को आवंटित हुई, लेकिन आज भी उसमें गुंडे, आरएसएस और भाजपा के लोगों का गैर कानूनी कब्जा है, तो क्या इन जमीनों का कब्जा खाली करवा कर आप अपने दलित भाइयों को अपना पोजीशन, उनका खुद की मालिकी हो, वो खुद अपनी मालिकी की जमीन पे कल्टीवेशन कर पाए, किसानी कर पाए, इतना सुनिश्चित करने को तैयार हो? दसवां सवाल, मोदी साहब, बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज ने कितनी तरक्की की यह तय करना हो तो उस समाज में महिलाओं की कितनी प्रगति हुई ये देखिए, और दूसरी तरफ आपकी सरकार गुजरात में गुजरात की बेटी, भारत की बेटी बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जेल में से छोड़कर उनका स्वागत सम्मान करती है, उनको पब्लिकली अप्रिशिएट करती है, और ये कहती है आपकी पार्टी के नेता लोग उनके संस्कार अच्छे थे इसलिए से जेल में से छोड़कर उनको लड्डू खिलाए गए। यही आपकी असली विचारधारा? आज बाबा साहब अंबेडकर हमारे बीच में होते तो मैं खुलकर कहना चाहता हूं वे आपके खिलाफ होते और बिल्किस बानो जैसी भारत की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए बतौर वकील पेश होते। इस मुद्दे पर आपका क्या कहना है? पूरे भारत को जवाब चाहिए। 11वां सवाल, मोदी साहब, ये दलित, आदिवासी, ओबीसी मूलतः तो मजदूर वर्ग है, समाज के पूंजीपति वर्ग के साथ आप बैठते हैं, तो आपको मजदूरों के लिए क्या मोहब्बत होगी? आप तो बाबा साहब अंबेडकर का नाम लेंगे 14 अप्रैल के दिन, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर तो लेबर मिनिस्टर हुआ करते थे, श्रम मंत्री थे, और बाबा साहब अंबेडकर ने जो भी श्रम कानून बनाए उन सभी श्रम कानूनों को खत्म करना, डिस्टोर्ट करना और पूंजीपतियों की सेवा हो उस प्रकार के श्रम कानून बनाने का काम आपने किया है। आपको सवाल पूछना चाहता हूं इन तमाम मजदूरों की ओर से, ये पसीना बहाने वाले मजदूरों के जीवन के साथ आपको कुछ लेना देना है? जो मजदूर ईंटों के भट्टों में, केमिकल की फैक्ट्रियों में, कंस्ट्रक्शन की साइट में, गांव में भूमिहीन मजदूर के तौर पे काम करते हैं, इन मजदूरों के जीवन के बारे में आपने कभी सोचा है? आप तो पूंजीपतियों की सेवा में लगे हुए, पूरे भारत की संपत्तियों को औने पौने दाम पर बेचने के लिए लगे हैं, तो इन मजदूरों के बारे में नहीं सोचने वाले मोदी साहब, आपको श्रम कानून लेकर आने वाले बाबा साहब अंबेडकर के लिए कैसे प्यार हुआ? 12वां सवाल, मोदी साहब, आने वाले कुछ दिनों में कर्नाटक में चुनाव होगा, जैसे ही चुनावी रैलियों में आप जाएंगे आपको तुरंत याद आ जाएगा कि आप ओबीसी हैं। वैसे आप अपने आप को हिंदू कहते हैं लेकिन जब चुनाव आता है तो तुरंत आपके अंदर का ओबीसी जाग उठता है। लेकिन सवाल यह पूछना चाहता हूं, क्या आप कर्नाटक के चुनाव के प्रचार के दौरान जब अपने आप को ओबीसी बताएं तब यह भी बताना चाहेंगे कि अभी गुजरात की विधानसभा में 3,00,000 करोड़ का जो बजट पारित हुआ उसमें 1% 1% भी ओबीसी समुदाय के लिए नहीं?
आपके ही गुजरात में जो ईबीसी बोर्ड बना, इकोनॉमिकली बैकवर्ड कास्ट जो समाज का 10-15% 10% जन आबादी को कैटर करने वाले जो बोर्ड और निगम का गठन हुआ, उसमें 550 करोड़ रुपया बजट में से अलोकेशन हुआ। लेकिन दलित, आदिवासी, ओबीसी और माइनॉरिटी, ये जो गुजरात की 80-82% जनता है, उनके लिए केवल 150 करोड़ का ही बजट अलोकेशन हुआ। तो ये बात आप कर्नाटका के चुनाव में, ये आपका दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए जो प्रेम है, या बताएंगे कर्नाटका के चुनाव में कि गुजरात में, आपके ही गुजरात में, दलित, आदिवासी, ओबीसी के साथ बजट में किस प्रकार से भेदभाव होता है। तीसरा सवाल, मोदी साहब, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब अंबेडकर दोनों ने शिक्षा का महत्व समझाया था, और तभी हम लोग जन आंदोलन में कहते रहते हैं कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। लेकिन आज आपकी अर्थनीति ने इस प्रकार से शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि दलित, आदिवासी, ओबीसी, पिछड़े और कमजोर तबके के बच्चे बच्चियां पढ़ाई न कर पाए, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। उसी प्रकार से बेरोजगारी का सवाल भी उसकी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आपने हर साल 2 करोड़ रोजगार का वचन तो दिया, लेकिन भारत के युवक युवतियों को ठगा, कोई रोजगार इस देश में निर्माण नहीं हो रहा, और उल्टा इस प्रकार का भयंकर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है कि बीएसएनएल हो, रेलवे हो, आईओसी हो, ओएनजीसी हो, नवरत्न कंपनी हो, हर जगह से आपने इतना भयंकर प्राइवेटाइजेशन कर दिया है कि बहुत ही सिस्टमेटिकली आरक्षण खत्म हो चुका है। मतलब कि दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज में से जो मिडिल क्लास तैयार हुआ, थोड़े साधन संपन्न लोग पैदा हुए आरक्षण की नीति के कारण, वो भी अब तैयार ना हो, उस प्रकार की चाल आपकी सरकार और आप लोग खेल रहे हैं। तो सवाल ये पूछना चाह रहा हूं कि भारत के संविधान ने जो हक और अधिकार दिए, स्वतंत्रता से लेकर अब तक जो भी राइट्स मिले दलित, आदिवासी, ओबीसी को, इन तमाम हक और अधिकारों को रिवर्स करके प्रतिक्रांति का जो प्रोजेक्ट आपने हाथ में लिया है, इस प्रतिक्रांति के काउंटर रेवोल्यूशन के इस प्रोजेक्ट को गौतम अदानी ने, मोहन भागवत ने किसने फंड किया है, इतना जरा इस मुल्क को बाबा साहब अंबेडकर की इस 132वीं जयंती पे जरा बताइएगा। और मोदी साहब, 14 अप्रैल के इस मौके पर आपको आखिरी 14वां सवाल पूछना चाहता हूं। आपके शासनकाल के दौरान ऊना का आंदोलन हुआ, रोहित यमुना की इंस्टीट्यूशनल हत्या हुई, भीमा कोरी गांव का आंदोलन हुआ, दिल्ली की सड़कों पर संविधान की प्रतों को जलाया गया, मुझे जेल में डाला गया, चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाला गया, प्रोफेसर रतनलाल के ऊपर कार्रवाई हुई, अंबेडकरवादियों के साथ, दलित मूवमेंट के लोगों के साथ आखिर आपको क्या दुश्मनी है? डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को आपने नक्सलवादी बोलकर 2.5 साल जेल में रखा, तो आखिर दलित और अंबेडकरवादी मूवमेंट के साथ आपको इतना खुन्नस क्यों है? किस बात का गुस्सा आप निकाल रहे हैं? ये सवाल पूरे भारत का दलित और बहुजन इस 14 अप्रैल के दिन आपको पूछना चाहता है। मोदी साहब, लेकिन आप भी याद रखिएगा, हम अंबेडकरवादी है, संघर्षों के आदि है। आप आसाम की पुलिस को भेजिए, किसी के ऊपर कोई भी कानूनी मुकदमा दर्ज कर दीजिए, जेलों में डालिए, आपसे और आपके आरएसएस से जितना हो सके कर लीजिए। हम न झुके हैं न झुकने वाले हैं। इस 14 अप्रैल के दिन आपके आरएसएस और भाजपा दोनों को चैलेंज करते हैं, जब तक डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं करवाएंगे, तब तक आखिरी सांस तक लड़ते रहेंगे। और कहा था ना, आसाम की जेल से छूटने के बाद, वही अंदाज में दोबारा कहता हूं, झुकेगा नहीं साला, याद रखिएगा। मैं झुकेगा नहीं।